1826 में अंग्रेजी हुकूमत कंपनी के विस्तार के लिए गुवाहाटी से बांग्लादेश वाले इलाके तक 230 किलोमीटर लंबी सड़क बना रही थी। गवर्नर डेविड स्कॉट ने सोचा कि क्यों ना खासी की पहाड़ियों को काटकर सड़क बनाई जाए, इससे रास्ता छोटा हो जाएगा। डेविड स्कॉट ने खासी राजा ओ तिरोध सिंह को अपनी योजना बताई। राजा को लगा कि उनकी प्रजा की भी भलाई होगी, तो उन्होंने सड़क बनाने की अनुमति दे दी। राजा ओ तिरोध क्या जानते थे कि अंग्रेज सड़क निर्माण के बहाने नोंखलो में अपने मकान भी बना रहे हैं। जब राजा को मालूम चला, उन्होंने अंग्रेजों से नोंखलो खाली करने को कहा, लेकिन अंग्रेजों ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। राजा ने 4 अप्रैल 1829 को खासी पहाड़ियों को बचाने के लिए अंग्रेजों पर हमला बोल दिया। एक तरफ अंग्रेजों के तोप गोले, दूसरी तरफ तीर भाले। फिर भी युद्ध 4 सालों तक चलता रहा और राजा ओ तिरोध और उनके साथी जंगलों में चले गए। लेकिन फिर एक गद्दार ने चंद सोने के लालच में राजा ओ तिरोध का पता बता दिया। 17 जुलाई 1835 को उन्होंने ढाका की जेल में अंतिम सांस ली, लेकिन आज भी खासी पहाड़ियां उनकी मौजूदगी का एहसास कराती हैं।